अंदर रेस्क्यू किया, जान बच गई, बाहर लेके आ गए, जो कैजुअलिटी थी आपने उसको अंदर बाहर लेके आ गए। अभी अभी क्या मिलेगा, अभी आपको एक या दो बंदा ऐसा मिलेगा जो अनकॉन्शियस होगा, बेहोश होगा। ये सिर्फ किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, करंट लग जाए हाई वोल्टेज का, तब भी उसको अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको होश नहीं रहता है। अगर आग लग गया, स्मोक इनहेल कर लिया, तब भी वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया ऑफिस में, तो भी आपको उसको रेस्क्यू करने का तरीका मालूम होना चाहिए। पहले बात तो आप फोन करोगे कहाँ पे, 108 एमरजेंसी में, कहाँ पे करोगे, जोर से बोलो 108। एक बार फिर से 108 इसमें फोन करोगे, और फोन करने के बाद जब तक वो एमरजेंसी कॉल नहीं आता सर्विस से, तो आने में 20 मिनट लग जाए, ट्रैफिक में फंस जाएगा, तब तक अगर आपके घर में भी किसी को हो जाए तो आप उस आदमी की जान कैसे बचाओगे। हाँ बिल्कुल, आप अभी अनकॉन्शियस हो, आप बीमार है। देखिए अभी ये एक पेशेंट, एक कैजुअलिटी है, ये लेटा हुआ है, आपको कैसे इसको अप्रोच करना है, मैं सिर्फ आपको ब्रीफिंग देता रहूँगा, आप ध्यान से इसको एक ध्यान से अपने स्टोरी की तरह सुनिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे अपने काम के लिए। पहली बात तो आपका कैजुअलिटी को आप उठा के ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कोई किसी तरह का धुआं हो या कोई धूल हो, तो एक फ्रेश एयर ब्रीथ ले सके। आप उसके पास जाएंगे, उसके पास जाने के बाद उसको बोलेंगे, क्या नाम है आपका, शिव, कैसे हो, सब ठीक है। शिव ने अगर जवाब दे दिया, अगर कॉन्शियस है, तो शिव को उठा के मतलब उसका पानी वानी मुंह में दो, सर उसको वॉश कराओ, उसको फ्रेश दो, उसका शर्ट के बटन्स, उसके शर्ट के जो बटन्स है वो आप खोल दो, ताकि उसको बेटर लगे, उसको अच्छा फील हो, ताकि उसका जो शर्ट है उसको अच्छा लगे, ताकि उसको फ्रेश लगे, ताकि उसकी उसमें थोड़ी जान हो। आपने इसको खोल दिया, उसके बाद अगर इसने जवाब नहीं दिया तो एक फॉर्मूला है ABC, क्या है ABC, आपको ये चेक्स है। पहला तो है ए फॉर एयरवे, उसको आप देखिए, एयरवे मतलब उसका जो चिन्ह है, चिन्ह ये चिन्ह ऊपर होना चाहिए, ताकि इसका नली पूरा हवा क्लियर हो सके। आप यहाँ जाके देखिए वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ब्रीथ ले रहा है, अगर ब्रीथ नहीं ले रहा है तो चेस्ट को देखिए, चेस्ट आपका ऊपर नीचे जा रहा नहीं जा रहा, वो सांस ले रहा नहीं ले रहा है। आपने देखा कि ये चेस्ट में इसका सांस नहीं ले रहा है, और चेस्ट भी इसका ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। एक कंडीशन हो सकता है कि इसका हार्ट बीट काम कर रहा हो, पहला कंडीशन हार्ट बीट काम कर रहा हो, लेकिन इसका ब्रीदिंग नहीं आ रहा है, इसका सांस नहीं चल रहा है, ब्रीदिंग चेस्ट काम कर रहा है। आपको डॉक्टर कहाँ चेक करता है, यहाँ पे चेक करता है ना, लेकिन आप अपना जो हार्ट बीट है पल्स, यहाँ से आप उतना जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पकड़ेंगे आप, आपका जो ये नोस्पीड है, देखिए सभी अपना चेक कीजिए, आपका जो नली घर है ना, सबसे वहाँ का थोड़ा भी हार्ट बीट होगा वहाँ पेगा, इसके साइड में देखिए, यहाँ दबाइए, आ रहा है हार्ट बीट। ये सबसे पहला तरीका है, अगर किसी का हार्ट बीट थोड़ा कम भी काम कर रहा है तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ इस पर जान है तो हार्ट बीट काम कर रहा है। कहाँ पे, सभी हाथ लगाइए अपना, सभी यहाँ पे, ये नली के है, यहाँ के साइड में, आ रहा है। ये तरीका है आपका पल्स, कान लगा के उतना नहीं मालूम भी चलेगा आपको, लेकिन आपको यही मालूम चल जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना। आप देखिए हार्ट बीट काम कर रहा है, लेकिन उसका ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त, आप उसको 12 ब्रीथ पर मिनट देंगे। कितना ब्रीथ, 12 ब्रीथ, हर एक ब्रीथ का टाइमिंग होगा 5 सेकेंड। उसको आप उठाएंगे ए ब्रीदिंग, और कार्डियो सी से क्या होता है, ए से हो गया एयर वे क्लियर है कि नहीं, बी से क्या होगा ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग ले रहा नहीं ले रहा, आपने चेक कर लिया नहीं ले रहा है, सी उसका जो कार्डिक उसका चेस्ट ओपन डाउन ऊपर हो रहा नहीं हो रहा, चेस्ट अप डाउन हो रहा नहीं हो रहा है, उसका हार्ट बीट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तीनों नहीं कर रहा है चेक्स में, तब आप क्या करेंगे, इसका जो नाक है, नाक बंद करेंगे,
इसके मुंह में आप 12 ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट में 12 ब्रीथ 5 सेकेंड, 12 इंटू 5 कितना होता है 60, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो आप 12 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से देंगे तो क्या होगा, वो उसी तरह से आपको देना है कंटिन्यू, क्योंकि हार्ट बीट काम कर रही है। तो यहाँ ले लिए, मुंह में दिए, एक ब्रीथ 5 सेकेंड हो गया, फिर दूसरा, आपको लंबा लंबा ब्रीथ खींचना है, आप छोटा ब्रीथ लोगे तो आप नहीं डाल सकते, आपको बड़ा ब्रीथ खींचना है, आपने ऐसा कंटिन्यू करना है जब तक उसकी सांस, जब तक उसकी सांस चालू नहीं होती है। ये हो गया आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, क्या हो गया आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। अगर आपका देखा कि वो ब्रीथ भी नहीं ले रहा है, उसका चेस्ट भी काम नहीं कर रहा है, उसका उसका समझ लो उसका जो चेस्ट है उसका चेस्ट भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे, तब आप जाओगे सीपीआर। सीपीआर मतलब जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में जो आप लोग पंप करते हैं ना, मेडिकल स्टाफ, कार्डिक पल्मोनरी रेसुसिटेशन, सीडीआर, सीपीआर, ठीक है, कार्डिक पल्मोनरी रेसुसिटेशन, ये होता है उसका फुल फॉर्म। यानी आप इतना ध्यान रखिए कि आपको कैसे आप करने का तरीका क्या है, इसका आप चिन ऊपर कर दिए पूरा, ये क्लियर हो गया, ये जो रिब्स है इसका, रिब्स यार, रिब्स से जहाँ इसका रिब गया यहाँ खत्म हो रहा है, रिब्स यहाँ से 2 इंच नीचे, कहाँ से, ये जो दोनों रिब्स मिल रहे हैं यहाँ से 2 इंच नीचे, आपका हाथ देखिए, हाथ का पोर्शन देखिए, हाथ का पोर्शन ऐसे रहेगा, ऐसे ये हाथ पोर्शन जगह ये रहेगा, ये लॉक करोगे ऐसे करके, लॉक करो, सभी लॉक करो, सभी लॉक करो मेरे साथ, सभी दिखाओ लॉक करके, ऐसे लॉक कर दिए, आपका हाथ फोल्ड नहीं होगा, आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा, ये 2 इंच नीचे जहाँ आपने मेजर किया, यहाँ मेजर किया, यहाँ से 2 इंच नीचे, यहाँ पे कंटिन्यू आपको 2 ब्रीथ, उसके बाद 30 बार प्रेस करना पड़ेगा, क्या रेशियो है, 2 ब्रीथ 2 सांस और उसके बाद 30 बार, 1 2 3 4 5 6, ये फोल्ड नहीं करना है हाथ, यहाँ फोल्ड नहीं करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, जैसे 30 हो जाएंगे उसके बाद आपको इमीडिएटली नाक बंद करके मुंह खोल के फटाफट 2 ब्रीथ आपको डालने हैं इसके अंदर, फिर नाक छोड़ दो, फिर उसके बाद कंटिन्यू फटाफट 1 2, ये आपको जब आप इसको प्रेस करेंगे तब आप ध्यान रखना कि ये छाती 1.5 से 2 इंच तक नीचे जानी चाहिए, ये रिप, अगर इसका रिप टूट जाता है, अगर पेशेंट का रिप टूट भी जाएगा, रिप नो प्रॉब्लम, उसका जो खांचा है कहीं टूट गया तो टूट जाने दो, वो बाद में उसको जोड़ देंगे उसको हम, रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर हार्ट बीट तक अगर ब्लड पंप नहीं हुआ, दिमाग ख़त्म हो जाएगा, ब्लड सबसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आपको बात समझ आ रही है, क्लियर, कितना कितना दोगे सी पी आर में, 20 और 2 ब्रीथ 2 सांस और 30, अगर पहले वाले में क्या था, अगर हार्ट बीट चल रहा है तो उसमें कितना था, 5 सेकंड में 12 ब्रीथ पर मिनट, कितना था, 5 सेकंड में एक ब्रीथ, वो अगर दिल काम कर रहा है तो, अगर दिल भी काम नहीं कर रहा है, सांस भी काम नहीं कर रहा, दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो 30 पंप और 2 ब्रीथ, क्लियर, ये आप देते रहेंगे तब तक जब तक आपका मेडिकल असिस्टेंट आपके पास नहीं आ जाता है आपको हेल्प करने के लिए कि अभी आप छोड़ दीजिए हम आ गए हैं, नहीं तो वो तब तक मर चुका होगा, आपको कंटिन्यू करना, आपका हाथ दर्द हो जाए, दुख रहा होगा, वो होगा, दूसरा कोई अवेलेबल है तो उसको बोलिए, लेकिन आप तब तक मत छोड़ना, उसकी जान आपके आपके हाथों में है, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे हो जाएगा तब आप देखिए हमको प्रेस करते करते क्या उसका हार्ट बीट करने से उसकी क्या, हर 2 मिनट में आप देखिए कि क्या उसकी सांस चालू हुई है, क्या उसका हार्ट बीट चालू हुआ है, 2 मिनट के बाद चेक करना है,
दो मिनट के बाद अगर चालू हो गया है तो वेरी गुड, क्लियर? नहीं तो जब तक करते रहो जब तक मेडिकल असिस्टेंट कोई आता नहीं है एम्बुलेंस, क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।